इटली में हाल ही में हुए G7 शिखर सम्मेलन में नेताओं का मिलना जुलना और आपसी बर्ताव चर्चा में है। मेजबान देश इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का गले मिलना सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा, तो नरेंद्र मोदी के साथ मेलोनी की हंसी मजाक की भी खूब बात हुई। मेलोनी की दूसरे नेताओं से अच्छी केमिस्ट्री के साथ ही उनका फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ तनाव भी G7 शिखर सम्मेलन में एक बार फिर उजागर हुआ है। मैक्रों को गुस्से में घूरती हुई मेलोनी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो फुटेज में मेलोनी पहले मैक्रों की ओर गुस्से में देखती है और फिर जब बाद दोनों नेता हाथ मिलाते हैं तो उस समय भी उनके चेहरे पर तनाव और रूखापन साफ देखा जा सकता है। G7 शिखर सम्मेलन के आखिरी सत्र में गर्भपात के अधिकार पर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। इसके बाद मिलते हुए दोनों नेताओं के बीच में तनातनी भी दिखी। G7 समिट की मसौदा विज्ञप्ति में गर्भपात का कोई सीधा संदर्भ नहीं दिया गया था, लेकिन इस पर बातचीत के दौरान मेलोनी ने मैक्रों पर फ्रांस में राष्ट्रीय चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। इस साल G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून तक इटली के अपुलिया में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी शामिल हुए। भारत को भी कार्यक्रम में बुलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी।